हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 13 जो कि ग्रुप ए से दो टीम्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ कनाडा है तो वहीं दूसरी साइड हमें आयरलैंड देखने को मिल रहा है। यह मैच आपको 7 जून को न्यूयॉर्क के नसाओ इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी 74% रहेगा और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर न्यूयॉर्क की पिच T20 बैटर्स के लिए चुनौती फेस कर दी है। ये दो गत वाली विकेट T20 अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तेज और सपाट पिच से अलग होती है। न्यूयॉर्क की पीछे अपने स्लो सतह और स्लो आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। इसके अलावा शुरुआती सीम मूवमेंट स्विंग बॉलर्स की मदद भी करेगी। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 0% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 100% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करें एवरेज स्कोर, जहां पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 77 है, वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 80 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते दो टीमों का हिटवेट भी देख लेते हैं, जो कि कनाडा एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे आयरलैंड भी एक मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम यानी आयरलैंड का शॉट एनालिसिस करेंगे, जहां पे आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप पे एक्सपीरियंस और टैलेंटेड यंगस्टर का मिश्रण होगा। कप्तान पॉल स्टीलिंग जो टीम को लीड करेंगे, जबकि पिछले साल 18 इनिंग में 28.50 की औसत से 513 बनाने वाले एंड्रू बाल्विन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। वहीं युवा बैटर जो कि हैरी टेक और लॉर्कन टकर बड़े शॉट लगा सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में जहां पे कर्स्टीस कैंपर और जॉर्ज डिलाने जो कि बैटिंग लाइनअप को वेरिएशन और डेप्थ प्रदान करते हैं। वहीं पर मार्क एडियर टीम के लिए बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं, उन्होंने अपनी पिछली 19 इनिंग में 15.64 के शानदार एवरेज के साथ 34 विकेट लिए। वहीं पे लेग स्पिनर बेन वाइट जो और मीडियम पेसर बॉलर बैरिक मैकार्थी जो टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पिछले साल दोनों ने 18 विकेट लिए थे, वहीं क्रमशः 22.61 और 26.33 के एवरेज के साथ। वहीं पर जॉस लिटल जो टीम के एक्स फैक्टर होंगे, उन्हें आईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस भी है। अब बात करते हैं आयरलैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पॉल स्टेरलिंग है, एंड्री बालब्रिन है, लॉर्कन टकर है, हैरी टेकर है, जॉर्ज डॉक्रेल है, ग्रैथ डेलनी है, कुर्टिस कैम्फर है, मार्क अडेयर है, बैरी मैकार्थी है, जॉर्ज लिटिल है, बेन वाइट है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि पॉल स्टेरलिंग है, एंड्री बालब्रिन है, लॉर्कन टकर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कनाडा का शॉट एनालिसिस करते हैं। साद्विन जफरी की टीम ने यूएसए के खिलाफ पहला मैच गंवा दिया था और टीम ने इससे उबरना चाहती है। यह वर्ल्ड कप में उनका पहला मैच था और टीम मजबूत परफॉर्मेंस करना चाहेगी। कनाडाई कप्तान इस मुकाबले अपने बैटर्स से मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। इस मुकाबले के आरोन जॉनसन और नवनीत धारीवाल जो टीम की अच्छी शुरुआत देनी होगी। इस मैच में मिडिल ऑर्डर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, उन्हें हर्ष ठाकुर और निकोलस क्रिटन श्रेयस मुआब से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, जहां पे साद्विन जफर और दिलप्रीत बाजवा जो कि लॉर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अपनी हीटिंग एबिलिटी का टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे बॉलिंग में साद्विन जफर को आगे बढ़कर लीड करना होगा और डिलन हेडलीगर के साथ मैच में शुरुआती विकेट लेने की कोशिश करेंगे। वहीं पे हर्ष ठाकुर और जेरेनी गॉर्डन इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। मिडिल ओवर में क्लीन सना की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते हैं कनाडा का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि आरन जॉनसन है, नवनीत डाडीवाल है, निकोलस किर्टन है, परगत सिंह है, आर पठान है, श्रेयस मोहका जो कि विकेट कीपर है, साद्विन जफर जो कि कप्तान है, रविंदर पाल सिंह है, डिलोन हेलिगर है, जेरेनी कॉर्डन है, कलीम सना है। अगर कुछ की प्लेयर की बात करेंगे जो कि आरन जॉनसन है, डिलोन हेलिगिलर है, जेनी कॉर्डन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर आयरलैंड होगा, यहाँ पे कनाडा को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।